हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत सारे लोग हैं जो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 2-in-1 लैपटॉप्स बताओ हर एक प्राइस की कैटेगरी में। बोला ठीक है, देखता हूँ, चेक करता हूँ। तो मैंने कुछ एक्सटेंसिवली रिसर्च किया, ढूंढा कौन कौन से लैपटॉप्स हैं जो आप हर एक प्राइस ब्रैकेट में खरीद सकते हो एंड वो टच स्क्रीन लैपटॉप्स होने चाहिए। मेरे कुछ लैपटॉप्स मिले एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो रिसर्च करते टाइम मुझे ये मालूम चला 40,000 के नीचे एक्चुअली जो लैपटॉप हैं टच स्क्रीन वाले वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप नॉन टच स्क्रीन लैपटॉप चूज़ करते हो उस प्राइस ब्रैकेट में वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी टच स्क्रीन वाले लैपटॉप चाहिए 40,000 रुपीज़ के अंडर में, तो मैं बता देता हूँ कौन से वो लैपटॉप्स हैं। बाय द वे, जितने भी लैपटॉप्स मैं बताऊँगा सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जाके चेकआउट कर लेना एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। सो 40,000 के नीचे आपको दो अच्छे लैपटॉप्स मिल जाते हैं, अच्छे इन द सेंस टच स्क्रीन के मामले में, वैसे नहीं। सो टच स्क्रीन में दो जो लैपटॉप्स हैं 40,000 के नीचे, पहला है HP Chromebook X360 एंड जो दूसरा लैपटॉप है वो है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस गो। सो ये दो लैपटॉप्स हैं जो 40,000 के नीचे आपको मिल जाएंगे एंड मेरे हिसाब से टच स्क्रीन के मामले में ये अच्छे लैपटॉप्स हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 45,000 से लेके 60,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में कौन से टच स्क्रीन वाले लैपटॉप्स हैं जो आप खरीद सकते हो, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो लैपटॉप है दैट इज़ Asus VivoBook Flip 14 एंड जो दूसरा लैपटॉप है वो आता है HP की तरफ से HP X360 एंड सबको मालूम है X360 का जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा फेमस सीरीज़ है टच स्क्रीन के लैपटॉप में। अगला है दोस्तों डेल इंस्पिरॉन 5410 एंड देन लेनोवो आइडिया पैड फ्लेक्स 5 एंड एक और है जो एसूस की तरफ से आता है एसूस व्यूबुक फ्लिप 14 एंड ये राइजन 3 4300U वाले CPU के साथ आता है। बट मैं इस लैपटॉप को इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, उसका रीज़न है कि इसमें सिर्फ 4GB की रैम है। सो 4GB की रैम इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं, नॉट ए गुड डील। सो दोस्तों प्राइस ब्रैकेट को थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं, 70,000 से लेके 80,000 रुपए के बीच में मैं आपको लैपटॉप्स बता देता हूँ टच स्क्रीन वाले, कौन से लैपटॉप्स को आप कंसीडर कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहला है HP Pavilion X360, दूसरा है Dell Inspiron 7415 एंड ये वाला जो लैपटॉप है ना ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है इस प्राइस ब्रैकेट में। उसका रीज़न ये है कि ये Ryzen 5 5500U के साथ आता है एंड ये जो प्रोसेसर है वो 6 कोर का प्रोसेसर है। बाकी सारे जितने भी टच स्क्रीन वाले लैपटॉप्स आते हैं उन सब में i5 का 11th जेन देखने के लिए मिल जाता है या फिर i3 का 11th जेन मिलता है। हाँ, आई नो आप सोचोगे इस प्राइस ब्रैकेट में i3 11th जेन, बट आप ही ने चूज़ किया है टच स्क्रीन लैपटॉप्स। तो बिल्कुल कुछ कुछ कंपनी हैं जो इस प्राइस ब्रैकेट में भी i3 11th जेन के लैपटॉप्स बेचती हैं। एंड हमारा आखिरी जो लैपटॉप है दैट इज़ HP Pavilion X360 एंड ये राइजन के साथ आता है राइजन 5 4500U, नॉट 5500U। सो ये भी एक अच्छा लैपटॉप है बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी या कह सकते हो फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलेगी वो मिलेगी डेल के लैपटॉप को जो आती है राइजन 5 5500U के प्रोसेसर के साथ इस प्राइस ब्रैकेट में। सो दोस्तों अब महंगी बातचीत कर लेते हैं, लाइक 80,000 से ऊपर वाले जितने भी लैपटॉप्स होते हैं, मतलब जो प्रीमियम सेगमेंट है बेसिकली। सो इनमें कौन से लैपटॉप्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। वैसे काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं इस प्राइस ब्रैकेट में जो टच स्क्रीन भी हैं एंड अच्छे भी हैं, बट मेरे को ऐसे 3 या 4 लैपटॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड वो सही में काफ़ी तगड़े प्रोसेसर के साथ आते हैं। उन लैपटॉप्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला जो है दैट इज़ नन अदर देन Lenovo Yoga 6 एंड अगेन दूसरा Lenovo Yoga 7। दोनों में कॉमन क्या है कि Ryzen 7 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ आते हैं जो कि 8 कोर के CPU हैं एंड दोनों में आपको 16GB की रैम मिल जाती है। ये दोनों मेरे को काफ़ी अच्छे लैपटॉप लगे एंड अगर आपको एक अच्छे डिस्प्ले के साथ अच्छा टच स्क्रीन वाला लैपटॉप चाहिए, मतलब जिसमें मस्त CPU, देन ये वो लैपटॉप्स हैं। सो दोस्तों दो Lenovo Yoga के प्रोडक्ट के बाद अब बात कर लेते हैं HP के बारे में। HP Pavilion X360 हमारा तीसरा लैपटॉप है इस प्राइस ब्रैकेट में एंड बेसिकली ये i7 11th जेन के साथ आता है। सो अगर आप उन लोगों में से हो जिनकी पर्सनल प्रेफरेंस इंटेल की तरफ है एंड Ryzen इतना ज़्यादा आप लेना पसंद नहीं करते हो, तो ये वो लैपटॉप है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी मस्त लैपटॉप है एंड इस लैपटॉप का साथ आपके साथ काफ़ी दिनों तक रहेगा, तो इस लैपटॉप को भी आप कंसीडर कर सकते हो। सो दोस्तों क्या कोई और लैपटॉप है जिनको आप कंसीडर कर सकते हो इस प्राइस ब्रैकेट में? वेल, Asus की तरफ से कुछ और लैपटॉप्स आते हैं ZenBook के फ्लिप सीरीज़, बट मैं उनको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो इतने ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगे मेरे को, ठीक है। लेकिन एक और लैपटॉप है जो महंगा है, महंगी बातचीत
दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। एंड ये जो लैपटॉप है अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड लैपटॉप है, बट मैं स्टिल ये बोलूँगा कि जो मैंने पहले तीन लैपटॉप देता ना वो मुझे बेटर लगे। इसमें राइजन का CPU है ऑफकोर्स, एंड ये अच्छा लैपटॉप है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है, बट जो योगा सीरीज़ है वो मतलब मेरे दिमाग में बस गई है, क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशन मस्त है, एंड वो सही में काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। लेनोवो के आइडिया पैड फ्लेक्स भी आते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में, बट स्टिल आई विल चूज़ योगा ओवर फ्लेक्स। सो दोस्तों, ये थे कुछ लैपटॉप्स जो मुझे लगते हैं अच्छे 2-in-1 लैपटॉप्स हैं ऑलमोस्ट हर एक प्राइस ब्रैकेट में। सो जितने भी लैपटॉप्स हैं सभी के बेस्ट बैंक लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाके चेकआउट कर सकते हो। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है किसी भी प्राइस ब्रैकेट में, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओवर एंड आउट।